अग्निपथ स्कीम के विरोध में यूपी बिहार समेत कई राज्यों में विरोध हो रहा है, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की है इस योजना पर पुनर्विचार करें। देश के सुरक्षा मामले में संसद को विश्वास में जरूर ले। जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की बड़ी आबादी संघर्ष को मजबूर है, तो इनमें से गरीब, बेरोजगार, खासकर युवा वर्ग शामिल है, तब सैन्य भर्ती इसकी थी निराश देने वाली है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बल में भर्ती सीमित करने का परिणाम है, जिससे गांव के लड़के सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे सही से संभालना बहुत जरूरी हो गया है। इसके साथ ही मायावती ने आगे कहा कि केंद्र को देश के भविष्य के इन नौजवानों का दर्द समझना चाहिए। इनके भविष्य के मुद्दे को गंभीरता से लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों से भी अपील है कि वह हिंसा ना करें, अपनी बात को सही तरीके से रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।